नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले, जिसको हम दही वड़े भी कहते हैं और ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, राइट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपके दही भल्ले एकदम सॉफ्ट और एकदम टेस्टी बनेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। दही वड़े बनाने के लिए जो बेसिक इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए वो एक बार देख लीजिए। मैंने ये एक कप धुली हुई उड़द की दाल ली है और इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। ओके, और ये भीग चुकी है और उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से रगड़ कर अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैंने 3-4 बार वॉश किया है पानी को ड्रेन करके। ओके, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम हींग ली है और ये मैंने 1 हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक के टुकड़े को बारीक चॉप कर लिया है और ये मैंने थोड़ा सा 1.5 टीस्पून नमक लिया है और ये मैंने 2 टीस्पून चीनी ली है। ओके, और इसके अलावा आपको मीठी चटनी की ज़रूरत पड़ेगी और खट्टी चटनी भी आप बना सकते हैं। मीठी चटनी की रेसिपी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से फॉलो कर कर जो इमली की खट्टी मीठी चटनी होती है वो बना सकते हैं और धनिया की चटनी भी आप उसके साथ में बना सकते हैं। ओके, और थोड़ा सा हमको तेल की ज़रूरत पड़ेगी फ्राई करने के लिए दही भल्लों को, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने एक इस तरीके से बड़ा बर्तन लिया है और इस पर मैंने छलनी रख दी है और ये जो हमने उड़द की दाल ली थी इसका हम पानी सारा ड्रेन कर देंगे और दाल को हम इसमें निकाल लेंगे। अब ये जो दाल हमने निकाली है इसको हम पीसेंगे। ये देखिए, मैंने सारी जो दाल है उसको एक मिक्सी के जार में इस तरीके से भर लिया है और अब मैं इसको पीसने जा रहा हूँ। तो पीसने के लिए इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं हम, इसमें हार्डली आप एक डैश ऑफ वाटर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि अच्छे से पिस जाए, बट बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। ओके, आधा चम्मच या 1 चम्मच पानी आप इसमें डाल सकते हैं बस। ये देखिए, मैंने दाल को पीस कर आपके सामने इस बाउल में रखा है और यहाँ पर हम जो हैं ये जो हमने जिंजर और हरी मिर्च चॉप करके रखी थी उसको मैं यहाँ पर मिला दूंगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं इसको, चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल देंगे। देखिए, नमक मैं बस 1 चुटकी डाल रहा हूँ और इसको अब हम फेंटना शुरू करते हैं। आपको इस बाउल को ऐसे लेना है और इसको आपको अपने हाथ से एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से चलाना है और ये आपको चलाते रहना है 5-10 मिनट तक। देखिए, मुझको 10 मिनट हो चुके हैं इस बैटर को फेंटते हुए। अब ये बैटर हमारा एकदम रेडी है इसको टेस्ट करने के लिए। इसको हम ऐसे हाथ में लेते हैं और ऐसे पलट कर देखते हैं तो ये देखिए, ये गिरता नहीं है, बहुत ही टाइम लेता है गिरने में। इसका मतलब ये देखिए, मैं उंगली भी हिला रहा हूँ तब भी ये गिर नहीं रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, एक तरीका और है आपको ये चेक करने का कि आपका बैटर रेडी है या नहीं। आपने एक बाउल में ऐसे पानी लेना है और इसमें आपको एक इसका ड्रॉप गिराना है। अगर ये बैटर आपका रेडी हो गया है तो ये ड्रॉप जो है तैरकर ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, ये तैरकर ऊपर आ गया है, ये डूबेगा नहीं। इसका मतलब आपका बैटर एकदम रेडी है। गैस पर पैन को चढ़ा दिया है और इसमें मैंने तेल डाल दिया है। अब हम अपने जो दही वड़े हैं वो फ्राई करने जा रहे हैं। हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है। ओके, अब ये देखिए, तेल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। अब इसको हम वड़े को डालने से पहले एक बार इसको फिर से हम हाथ से फेंट देते हैं। ओके, ये देखिए, अब मैं इसमें वड़े डाल रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से, अब हम इसको गोल्डन होने तक इसी तरीके से फ्राई करेंगे और हमें तेल जो है इसके ऊपर डालना है इससे कि ये फूल जाएंगे। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये फूलेंगे नहीं। ये देखिए, ये करके गोल्डन होने लगे। हाँ, ये देखिए, अब हम वड़े को निकाल रहे हैं। ये हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये वड़े हमने सारे निकाल लिए हैं और ये मैंने एक बाउल में पानी लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगा, थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे और हम इसको अच्छे से मिला देंगे। और ये जो पानी है ये गुनगुना पानी है, तो ये ना ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है। इसमें हम अपने जो वड़े हैं उनको डाल देंगे इस तरीके से। इसको मैंने इस तरीके से ढक दिया है और अब मैं इसको 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा और तब तक हम अपना दही की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम अपना दही जो है उसको रेडी कर लेते हैं। तो
मैंने ये 2 कप दही लिया है और इसमें हम ये मैंने 2 टीस्पून चीनी ली है। आप चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मीठा दही अगर लेना है तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा 1/4 टीस्पून या फिर उससे थोड़ा सा कम काला नमक भी डालेंगे। इसको हम ऐसे मिला लेते हैं और इसको हम इसी तरीके से थोड़ी देर फेंट लेंगे। ठीक, मैंने 3-4 मिनट फेंट लिया है और एकदम ये दही जो है हमारा ऐसे फिट चुका है, क्रीमी हो गया एकदम। ये देखिए देखिए, एकदम क्रीम की तरह दही का टेक्सचर हो चुका है। दही हमारा रेडी है। ओके, और अब हम प्लेटिंग की तैयारी कर सकते हैं। तीनों चीज़ें रेडी हैं, दही भल्ले हमने भिगो कर रखे हुए हैं और दही हमारा रेडी है। चटनी मैंने बनाकर रखी हुई है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं इसकी रेसिपी। दही भल्ले सर्व करने के लिए हमें सबसे पहले इनको पानी से इस तरीके से निकालना है और थोड़ा इस तरीके से प्रेस करके इसका सारा पानी हमें निचोड़ देना है। ओके, और इसको हम अलग प्लेट में अब रख लेते हैं। इस तरीके से हम सारे भल्ले निकाल लेंगे और फिर हम इनकी प्लेटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, ये देखिए मैंने दही भल्ले की प्लेटिंग आपके सामने कर रखी है। इसमें मैंने नमक, मिर्च, भुना हुआ जीरा, दही, चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये सब इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा धनिया से इसकी गार्निशिंग की है। देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है ये डिश और खाने में भी ये बहुत ही अच्छी है। तो ये डिश आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको मेरी और भी रेसिपीज मिलती रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।